हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मटर की घुगनी की रेसिपी। क्योंकि सर्दियां जाने वाली हैं और मटर की सीजन भी खत्म होने वाला है ना, तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार मटर की घुगनी बनाई जाए और आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर की जाए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया है मिक्सी का जार, उसमें हम ऐड करेंगे ये धनिया। तो इसको मैंने बड़ा बड़ा सा ही रखा है और बीच से हमें इसी तरीके से तोड़ के डाल देंगे और इसको डंठल के साथ में ही लेना है। तो चलिए इसको डाल देंगे। इसी के साथ फ्रेंड्स हम इसमें ऐड करेंगे दो हरी मिर्च, इनको मैंने बीच से कट कर लिया है। साथ में इसमें ऐड करेंगे 6 से 7 लहसुन की कलियां, इनको डाल के। और अब हमें क्या करना है, इनको दरदरा सा पीस लेना है। फाइन पेस्ट बिल्कुल नहीं बनाना, मैं आपको दिखाती हूँ कैसा पीसना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे पीस लिया है और अब हमें इस तरीके का, मैं आपको दिखाती हूँ इस तरीके का हमें रखना है। देखिए इस तरीके का मोटा मोटा सा रखा है मैंने इसको। तो चलिए अब चलते हैं हम गैस की तरफ। तो अब हमें लेना है इस तरीके का कोई भी पैन और इसमें हम डालेंगे तेल। तो लगभग 2 चम्मच मैंने यहाँ पे तेल डाला हुआ है दोस्तों। इसको हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा तेल जो है ना बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे ली है 1/4 चम्मच हींग। हींग का बहुत ही अच्छा इसमें फ्लेवर आता है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच जीरा। तो देखिए यहाँ पे जीरा हमारा अच्छे से चटक चुका है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है 1 मीडियम साइज का प्याज, जिसको बारीक बारीक कट कर लिया है। और आपको बड़े टुकड़ों में पसंद है ना, तो आप बड़े टुकड़ों में भी रख सकते हैं। और इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा प्याज भून चुका है। इसको हमें बहुत ज्यादा नहीं पकाना है, हल्का साइज को कच्चा ही रखना है। तो अब हमने जो मटर छील के रखी थी ना, उसको हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको हम बढ़िया तरीके से मिक्स कर देंगे। गैस की फ्लेम हमें पूरे टाइम में ना स्लो ही रखनी है, हाई फ्लेम बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो चलिए बढ़िया तरीके से हम इसको मिक्स कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो जैसा भी आप नमक खाते हैं ना, उस हिसाब से आप नमक इसमें डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 1 चम्मच डाल के, थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है तो मैं और डाल रही हूँ। तो टोटल 1.5 चम्मच मैंने यहाँ पे नमक का यूज किया है और इसको बढ़िया तरीके से हम मिक्स कर देंगे। और अच्छे से मिक्स करने के बाद फ्रेंड्स, हमने जो धनिया और लहसुन मिर्च पीस के रखी थी ना, उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। तो आप जब भी मटर की घुगनी बनाएं तो ये जो धनिया का पेस्ट बनाया है ना दरदरा से, इसको जरूर से ट्राई करें। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है फ्रेंड्स। तो देखिए मैंने यहाँ पे सारे मिक्सर को ना, तो देखिए यहाँ पे मैंने सारे पेस्ट को डाल दिया है और इसको बढ़िया तरीके से हम मिक्स कर देंगे। इससे बहुत ही अच्छा चटपटा सा टेस्ट आएगा। तो देखिए यहाँ पे मिक्स कर दिया है और हमने जो नमक डाला है ना, उसका जो पानी है वो हल्का सा जो रिलीज होगा, उसी में हमारी मटर ना अच्छे से पक जाएगी। तो कोई भी पानी वगैरह कुछ भी यूज नहीं करना है हमें। तो देखिए अच्छे से मिक्स कर दिया है मैंने और अब हम इसको कवर करके बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पकने देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, एक बार हम मटर को ना बीच में चला देंगे, जिससे हमारी जो मटर है ना दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाएगी, यानी कि पक जाएगी। तो देखिए कितनी बढ़िया से हमारी मटर दिख रही है। तो अभी ये पूरी तरीके से पकी नहीं है और देखिए बिल्कुल तली में ना चिपकी नहीं है, क्योंकि नमक का जो पानी है उसी में ये पक रही है। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं इसको। तो अभी देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे से पकी नहीं है, तो थोड़ा सा हम इसको कवर करके और पका लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, एक बार हम मटर को फिर से चेक कर लेते हैं कि हमारी मटर जो है ना कैसी हुई है। तो ये देखिए बिल्कुल भी जली नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हो गई है। और अभी हम एक बार मटर को चेक करेंगे। तो देखिए ये अच्छे से मैश हो रही है, अच्छे से पक चुकी है फ्रेंड्स। तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला। आप चाहें तो यहाँ पे जो नींबू का रस होता है ना, आधा नींबू का रस भी यूज कर सकते हैं। और चाट मसाला से बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है, तो मैं यहाँ पे चाट मसाला का यूज कर रही हूँ। तो लीजिए दोस्तों, हमारी जो घुगनी है बनके हो गई है तैयार। तो अब हम गैस की फ्लेम को कर देंगे ऑफ और इसको सर्व कर लेंगे। देखिए कितनी बढ़िया से हमारी जो घुगनी है बनके तैयार हुई है। और आप इसको कभी भी बना सकते हैं, जब भी आपका मन करे। लेकिन अभी मटर का सीजन है तो आप अभी इसको बना सकते हैं, उसके बाद तो मटर आनी बंद हो जाएगी। और इसका मजा तो इसी सर्दियों में ही है। तो लीजिए फ्रेंड्स,
हमारी घुगनी कितनी बढ़िया सी लग रही है और खाने में तो ये इतनी ज्यादा टेस्टी लगती है फ्रेंड्स, इसके लिए तो आपको ट्राई करना पड़ेगा। तो आप भी बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए और रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। फ्रेंड्स मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक लिए बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।